Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this video is for IGNU MA Sociology second year student. आपका MSOE 2 का subject that is Diaspora and Transnational Communities. And इस subject के लिए बहुत सारे student ने यहाँ पे video की demand करी थी because इस subject की दो video हैं जो playlist में available हैं. Important topics हम cover कर रहे हैं, important topic on the basis of the previous year question जो भी exam में पूछे गए हैं. So this topic is इंडियन इन गल्फ, गल्फ रीजन में जो इंडियन है. अब यहाँ पे आप देख रहे हो डायस्पोरा की बात है, तो अलग अलग कंट्री, कैरेबियन की बात करें, यूरोप, बहुत सारे अलग अलग जगह पे इंडियंस के प्रॉब्लम्स, इंडियंस का जो कंसंट्रेशन है, इसको लेके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं. तो गल्फ रीजन में इंडियन के चैलेंजेस को लेके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है. तो चैलेंजेस को लेके आएगा तो आपको एक इंट्रोडक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, फैक्टर्स लीडिंग पे हम बात करेंगे, एंड देन वी विल राइट द डायरेक्ट चैलेंजेस की क्या चैलेंजेस हैं या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इंडियंस को इन द गल्फ रीजन. तो सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आप इन्फॉर्म करोगे, फैक्ट्स हैं, थोड़ी सी चीजें याद करनी पड़ेगी इस सब्जेक्ट में. थोड़ा सा टिपिकल चीज ये रहेगी इस सब्जेक्ट में आपके साथ कि ऑलमोस्ट 8.5 मिलियन इंडियन सिटीजन रिजाइड एंड गो टू द गल्फ रीजन फॉर जॉब, लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर, ओमान. यहाँ पे इंडियन जॉब करने जा रहे हैं बाहर गल्फ रीजन में. अब OECD के अकॉर्डिंग, व्हाट इज OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट माइग्रेंट प्रोवाइडर टू द गल्फ रीजन. देखो इसमें यहाँ पे गिरमिटियाज का नाम भी पहले आता था. गिरमिटियाज भी इंडिया से माइग्रेट होके बाहर गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. ये वो लोग थे जो बाहर गए और वहीं सेटल हो गए, फिर इनकी आगे की जनरेशन मतलब थर्ड जनरेशन तक वहीं पे सेटल है. तो गिरमिटियाज के लिए भी आपकी गवर्नमेंट ने बहुत एक प्लान भी बनाया सो दैट दे कैन केम बैक टू इंडिया, दे कैन विजिट इंडिया. तो ये सब चीजें की जा रही है डायस्पोरा के लिए. अब अगर हम रीसेंट गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी देखें, आपकी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है उसकी आइडियोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट डी जो फॉलो किया जाता है डायस्पोरा. आपके प्राइम मिनिस्टर व्हेनेवर ही गो एंड विजिट सम फॉरेन कंट्री, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा होते हैं, जो भी इंडियन ओरिजिन के लोग हैं, उनसे मिलते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं, उनसे वहां की चीजों के बारे में, उनको इंडिया के अवेयरनेस के बारे में मतलब एड्रेस करते हैं वो सारे डायस्पोरा को. तो डायस्पोरा को टारगेट करना, डायस्पोरा को अवेयर करना अबाउट द इंडियन इंडिया, ये सब भी एक इंपॉर्टेंट इस गवर्नमेंट का, प्राइम मिनिस्टर का एक अप्रोच देखा गया है. तो इंडिया इज वन ऑफ द, ये आप बताओगे, ड्यू टू द ज्योग्राफिकल क्लोजनेस ऑफ द अरेबियन पेनिनसुला एंड द इंडियन पेनिनसुला, ये इजियर हो गया जिससे कि इंडियन लेबर माइग्रेट कर सकती है बाहर. साउथ एशियन और इंडियन वर्कर जो है, ये जो है कंस्ट्रक्शन वर्क जो होता है गल्फ रीजन में, उसके लिए पिलर का काम करते हैं. बिकॉज जहां जो यहां से वर्कर जा रहे हैं, हम देखेंगे वो किस टाइप के वर्क वहां परफॉर्म कर रहे हैं. मोस्टली दे आर परफॉर्मिंग द वर्क जो वर्कर और लेबरर लेवर का है. गल्फ रीजन में बहुत हाई और टॉप क्लास में आप नहीं देख रहे हो वर्कर को, यू आर सीइंग द वर्कर एट ब्लू कॉलर जॉब्स परफॉर्म करते हुए आप देखोगे. ब्लू कॉलर जॉब्स यही होती है, राइट? ब्लू कॉलर जॉब्स भी आप मेंशन कर सकते हो, मोस्ट ऑफ द इंडियन आर डूइंग ब्लू कॉलर जॉब्स ओवर देयर. तो यहाँ पे इन द साउथ एशियन एंड इंडियन वर्कर बिकेम द पिलर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क इन गल्फ कंट्री. अराउंड 70% ऑफ इंडियन माइग्रेंट वर्क एज ड्राइवर, डोमेस्टिक सर्वेंट और एज लेबर एट द कंस्ट्रक्शन साइट. नाउ व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड माइग्रेशन ऑफ इंडियन टू गल्फ रीजन. देखो गल्फ रीजन क्या, कहीं पे भी इंडियन माइग्रेट कर रहे हैं तो बहुत सारे रीजन होते हैं. आपके रीजन में कुछ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट एरिया, कश्मीर, जम्मू कश्मीर एरिया, तो यहाँ इन जगहों पे अगर पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखते हो तो लोग माइग्रेट कर जाते हैं. साउदर्न रीजन पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से माइग्रेट करते हैं. कई बार देखते हैं हम इंडिया इतना अपने आप में इतनी ज्यादा वाइड आपकी पॉपुलेशन है, तो सबको जॉब प्रोवाइड कराना तो पॉसिबल नहीं है कंट्री के लिए. तो ये प्रॉब्लम होती है, आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट है, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इस सब रीजन की वजह से अच्छा वेज रेट नहीं मिल रहा है, तो दैट्स व्हाई पीपल माइग्रेट टू द आउटसाइड कंट्री. लोग बाहर चले जाते हैं क्योंकि उन्हें उतने काम करने के वहां बहुत अच्छे जो है अमाउंट पैसे मिल रहे हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर दैट लीड टू द माइग्रेशन. फर्स्ट थिंग इज अर्बनाइजेशन. अर्बनाइजेशन की वजह से क्या है, लेबर की आप देख रहे हो बाहर ज्यादा रिक्वायरमेंट है, बाहर ज्यादा रिक्वायरमेंट, प्लस आपकी यहाँ पे होम कंट्री की अगर हम बात करें तो वो सिमिलर काम को करने की आपको वेजेस कम मिल रहे हैं. मैंने डायरेक्ट लिखा है, आप इसको एक्सप्लेन कर देना इन योर एग्जामिनेशन, मैंने सीधा मेन पॉइंट लिखा है. नेक्स्ट इज अनएम्प्लॉयमेंट. डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है इज नॉट एबल टू प्रोवाइड जॉब टू एवरी पर्सन लिविंग इन इट, सो पीपल विल हैव टू माइग्रेट, दैट्स व्हाई लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है. पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कई बार क्या होता है कुछ लोगों के पास राइट और फैसिलिटीज नहीं होती है, राइट और फैसिलिटी नहीं है तो वो मार्जिनलाइज और अलग फील करते हैं अपने आप को, एंड व्हेन अलग फील कर रहे हैं तो वो एक कनेक्शन फील नहीं होता, दैट्स व्हाई उनके लिए इजी है
कि वो माइग्रेट करें, बाहर रहें। और बहुत से आप देखते हो जो एक इनिशियल टाइम पे चले गए हैं वो वापस नहीं आए हैं, बिकॉज वहां पे एक सेटलमेंट जब आपका हो गया, अर्निंग हो गई है, स्टेबिलिटी आ गई है, तो वहां पे वापस आने का डिसीजन, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इनजस्टिस और अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वहां पे एक आपको पहचान मिल गई, आइडेंटिटी मिल गई, सो पीपल जो थे वो वहां रह के खुश हैं। नेक्स्ट इज पुश एंड पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होते हैं, जो आपको अपनी जो रेजिडेंस है जिस जगह पे आप रह रहे हो, फॉर एग्जांपल इंडिया को छोड़ के बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो आपके यहाँ पे कुछ कमी होगी तभी तो आप बाहर जा रहे हो। तो पुश फैक्टर जनरली क्या होंगे, नेगेटिव चीजें होंगी आपके यहाँ की। पुल फैक्टर जो आपको अट्रैक्ट करे किसी दूसरे नेशन में कि आप वहां मूव करो, तो ऑब्वियस बात है वहां कुछ बेटर फैसिलिटी होंगी, दैट्स व्हाई यू आर मूविंग टू दैट नेशन। पुश फैक्टर क्या है, सीधे नाम यहाँ पे लिखे हैं, नेचुरल कैलामिटी, लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, पॉवर्टी है आपके यहाँ पे, नेक्स्ट लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे, लैंड का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दैट्स वाई क्या होते हैं लोग माइग्रेट करते हैं, दिस इज पुश फैक्टर। पुल फैक्टर वहां आपको बेटर एजुकेशन मिल रही है, अच्छे वेजेस मिल रहे हैं, एक एनवायरमेंट अच्छा मिल रहा है जिस वजह से आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पा रहे हो, जो यहाँ पे आप बिल्कुल पॉवर्टी में आते थे, पुअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, वहां पे आप एक बेटर वर्क, बेटर कंपैरेटिवली वेजेस लेके यहाँ के कंपैरेटिवली, तो एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यहाँ से अच्छा आप वहां पे ले पाते हो, हेल्थ फैसिलिटीज बेटर है। इसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर, मतलब लोग क्या देखते हैं, देखो गल्फ रीजन का ही ये फैक्टर है, कई बार लोगों के लिए हाई इनकम ग्रुप वाली कंट्रीज में माइग्रेट करने वाले से ज्यादा ऑप्शन बेटर रहता है लो इनकम में माइग्रेट करना, बिकॉज वहां पे लेबर और वर्कर्स सब बाहर, हाई इनकम ग्रुप में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है जितनी लो मिडिल इनकम ग्रुप में रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क बहुत ज्यादा हो रहा है, आफ्टर जो पेट्रोलियम आपका वो वाला पार्ट है उस वजह से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और ये सब चीजें बहुत ज्यादा है, वर्कर की डिमांड बहुत ज्यादा है, लेबर की डिमांड भी बहुत ज्यादा है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए आपके लोग नहीं एक तरीके से कंप्लीट कर पा रहे हैं, तो यू नीड मोर पीपल फ्रॉम आउटसाइड, इसलिए आप उनको क्या करते हो, एक्सेप्ट भी करते हो चीजों के लिए। तो दीज आर द फैक्टर दैट लीड टू द माइग्रेशन। नाउ ये जो लोग बाहर रह रहे हैं ये प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं, अब यही जो रीजन थे, समटाइम ये वहां जाते हैं तो इन रीजंस की वजह से कुछ प्रॉब्लम भी फेस करने को मिलती है, काम मिल रहा है, वेजेस मिल रहे हैं, लेकिन समटाइम अप्रोप्रिएट नहीं मिल रहे हैं, ओवर टाइम करना पड़ रहा है, ओवर टाइम की प्रॉपर वेजेस नहीं मिल रहे हैं, बाहर किसी कंट्री में रह रहे हो अगर वहां के रेजिडेंस नहीं हो, कब निकाले जाओ कोई भरोसा नहीं है, कोई पॉलिसी आ जाए, कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, इंटरनेशनल कंट्रीज के बीच में आपस में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो जितने भी लोग वहां रह रहे हैं, लाइक अभी आपने देखा रशिया यूक्रेन, तो वॉर की सिचुएशन हुई, तो इंडियन भी तो थे ना यूक्रेन में, तो क्या था, एक ऑपरेशन गंगा नाम का ऑपरेशन हमने करा जिससे कि वी कैन इवैक्यूएट द इंडियंस फ्रॉम द यूक्रेन, तो वो तो देखो दो कंट्रीज थी जिसमें हम इन्वॉल्व भी नहीं थे, स्टिल इंडिया के लोगों पे इम्पैक्ट पड़ा, बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया आर लिविंग देयर। तो इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे अगर कोई डिस्टर्बेंस होती है उससे भी आपकी जो डायस्पोरा बाहर है उन पे इम्पैक्ट पड़ता है। सो ये चैलेंजेस में हम लोग कुछ चीजें मेंशन करेंगे। द वेरी फर्स्ट एंड बेसिक इज द वुमेन हु वर्क एज डोमेस्टिक वर्कर डोंट हैव एनी लीगल प्रोटेक्शन, नहीं है, ओवर टाइम वर्क करना पड़ता है, पैसे नहीं मिलते हैं उसके, वर्कर को कई बार जो रिक्रूटिंग कंपनी है वो मिसट्रीट करती है, फॉल्स वेजेस प्रॉमिस करती है बिकॉज इलिटरेट है, अनट्रेन्ड लेबरर्स हैं, तो वो चीज नहीं फुलफिल कर पाती है, नॉर्म्स प्रॉपरली फॉलो नहीं होते हैं, वर्कर्स और लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कोई ऐसी फंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है इंडिया में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज की ट्रैकिंग करती है और एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज की ट्रैकिंग करती है फॉर द पीपल हु आर आउटसाइड इंडिया, तो ये भी प्रॉब्लम है, इनका कोई रिकॉर्ड मेंटेनेंस नहीं है। गल्फ कंट्रीज अब रियलाइज कर रही हैं कि जो फॉरेन वर्कर है वो जॉब ले रहे हैं और उनके लोकल लोगों को कई बार वहां पे जॉब नहीं मिल पाती है, दैट्स व्हाई वो अपने लोकल लोगों को जॉब देने के लिए, ये बेसिक देखो आईएलओ का ना, एक इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रोविजन है, एक यूनाइटेड नेशन की मीटिंग होती है, आईएलओ की मीटिंग होती है, तो इनके चार्टर जो आते हैं, रूल्स जो आते हैं, उसका एक प्रोविजन था कि आपको अपनी होम कंट्री के लेबर की प्रोटेक्शन और उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोच के चलना है, ये फॉर एवरी नेशन है जो भी पार्ट है, इवन इंडिया के लिए भी है। तो जब बाहर की कंट्री ये सोचेंगे कि हम अपने लोगों को जॉब में प्रायोरिटी दें, प्रेफरेंस दें, रिजर्वेशन दें, कुछ भी इस तरीके की चीजें दें, तो जो माइग्रेटेड पीपल है, जो डायस्पोरा है बाकी कंट्रीज की, उनको तो प्रॉब्लम होगी, वहां पे फिर उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। इसके अलावा एक पॉइंट जो मैंने अभी बोला वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हो जाए, जरूरी नहीं है कि इंडिया और उस कंट्री के बीच ही प्रॉब्लम हो, कुछ भी इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस हो जाए और तो उस कंट्री में जो भी इंडियंस रह रहे होंगे या कुछ भी रहेगा, वॉर लाइक सिचुएशन हो जाती है, तो इंडिया को उसके बारे में भी, उनकी प्रोटेक्शन, उनकी सेफ्टी के बारे में भी स्टेप लेने पड़ते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस जो इंडियंस फेस कर रहे हैं इन द गल्फ रीजन। अब एंडिंग में यू कैन राइट समथिंग कि देखो जो भी है, क्यों जा रहे हैं, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, स्टिल पीपल आर देयर, स्टिल हम वहां से हाईएस्ट रेमिटेंसेस ले रहे हैं,
द पीपल फ्रॉम मतलब हाईएस्ट रेमिटेंस अभी कुछ टाइम में देखा भी गया है कि गर्ल्स से काफी ज्यादा रेमिटेंस हमें मिला है. तो इंडिया वैसे भी क्या अगर आप लिख सकते हो, ये तो हर आंसर में यूज करो जहां भी डायस्पोरा की बात करो, इंडिया जो है वो थर्ड हाईएस्ट रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है आफ्टर चाइना ब्रिटेन ब्रिटिश के बाद थर्ड हाईएस्ट रेमिटेंस आता है इंडिया के पास. मींस इंडिया के पर्सन जो बाहर रह रहे हैं और बाहर से रह के वो लोग यहाँ पैसे भेजते हैं अपनी फैमिली को, तो वो अमाउंट कहलाता है रेमिटेंसेस. तो थर्ड नंबर पे है इंडिया रेमिटेंस की बात करें तो. अब क्या है, इंडिया एंड गल्फ नेशन शेयर अ ह्यूज चंक ऑफ म्यूचुअल इकोनॉमिकल डिपेंडेंसी है जिसमें फूड सिक्योरिटी को लेकर अलग अलग बातें डीलिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मिलते हो डिस्कशन करते हो ठीक है. एंड पता होगा सऊदी अरेबिया के प्रिंस के तो बीच में सऊदी अरेबिया ने इंडिया के पीएम के लिए भी कमेंट किया था कि ही इज लाइक माई एल्डर ब्रदर एंड आई एडमायर हिम. तो ये सब चीजें जो है ये आपकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशन को शो करती है. तो यहाँ पे आप बहुत सारे टर्म्स में एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, म्यूचुअल डिपेंडेंसी है. फूड सिक्योरिटी, रिन्यूएबल न्यूक्लियर एनर्जी, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, डिफेंस इंडस्ट्री, काउंटर टेररिज्म, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी, ये सब चीजें जाती हैं. अब गिवन द सिग्निफिकेंट रिलेशन इंडिया मेंटेन विद द गल्फ कंट्री, जो इंपॉर्टेंट रिलेशन इंडिया गल्फ रीजन के साथ मेंटेन कर रही है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, जब स्टार्टिंग की उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जब उनकी 2014 में आई थी तो उन्होंने गल्फ रीजन को डायरेक्ट टारगेट किया और उन्होंने एक सीक्वेंस में विजिट किए थे सारे जो भी आपके गल्फ नेशन थे. क्लियर, 15-16 में उन्होंने सीक्वेंस में ही सारे एक एक करके कंट्री जो नेशन थे उनको विजिट किया. दोनों कंट्री एक दूसरे के जो बॉन्ड है उसको स्ट्रेंथन करने की ट्राई कर रही हैं. दोनों कुछ ना कुछ तरीके से एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से इंडिया के लोग बाहर हैं एंड वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द गल्फ रीजन. गल्फ रीजन भी इंडिया पे कुछ चीजों के लिए डिपेंडेंट है. लाइक इंडिया ने 2022 मई में अभी ही कुछ महीने पहले इंडिया ने जो है प्रॉमिस किया है कि वह एक्सपोर्ट करेगी वीट टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई, जबकि इंडिया ने अभी ज्यादा ये सब फूड ग्रेन्स वाली चीजें एक्सपोर्टिंग पे थोड़ा सा, अभी सारे फूड ग्रेन नहीं कुछ बेसिक फूड ग्रेन की बात है तो उसमें इतना ज्यादा एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, लेकिन फिर भी इंडिया ने प्रॉमिस किया है कि सऊदी अरेबिया एंड यूएई में वो क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी आपके वीट को. और बहुत सारी गल्फ कंट्रीज ने भी प्रॉमिस किया है, ट्रीटीज होती है, डील होती है, डिस्कशन होती है, तो उन्होंने भी प्रॉमिस किया है कि वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करेंगे, आपके ऑटोमोबाइल्स में, इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल वगैरह में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो दिस क्लियरली शो कि हाउ स्ट्रांगली एक स्ट्रांग कितना स्ट्रांग बॉन्ड ये दोनों कंट्री शेयर करती हैं. तो अब कुछ भी आए, एक्सप्लेन द डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा इन द गल्फ रीजन, पूरा आंसर आपके सामने है. चैलेंजेस आए तो इंट्रोडक्शन लिखो, देन कंक्लूजन लिखो, देन आंसर अपना ओवर करो. सो दिस इज द इंडियन डायस्पोरा इन द गल्फ रीजन. कुछ चीजें याद करनी पड़ेगी, सब्जेक्ट ऐसा है, आई कैन नॉट हेल्प इन दैट. ठीक है, इसके अलावा भी और भी अभी तो बहुत सारी कंट्रीज हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, तो तब तक आप इसको देखिए, कोई डाउट है तो आप मुझे यहाँ मैसेज कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग.